हेलो दोस्तों, क्रिप्टो पिकर्स की तरफ से और एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमारा जो 14 वॉलेट हैक हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हमने जो गलती किया है वो गलती आप मत करना, क्या गलती किया है हमने वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और हमने किसी साइट से हमारा जो वॉलेट है उसको कनेक्ट नहीं किया था, कैसे हैक हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आपने इस वीडियो अगर देखा है तो इस वीडियो पे देखा था कि हमने जब इस पे एवेक्स डिपॉजिट किया था एलर्ट टोकन को क्लेम करने के लिए, डिपॉजिट करते ही एलर्ट टोकन यहाँ से दूसरे वॉलेट पे सेंड हो जाता था, हमने आपको दिखाया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये वॉलेट है, ठीक है। टोटल 14 वॉलेट हैक हो चुका है हमारा, नए पुराना मिला के जितने एयरड्रॉप हम ज्वाइन करते थे सभी वॉलेट हैक हो गया, ठीक है। कैसे हुए हैक हुआ है हम आपको बताते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा वॉलेट 10 तारीख को यहाँ पे हमारा वॉलेट हैक हुआ था, ठीक है। उस 10 तारीख के बाद अभी तक हमें पता नहीं चला कि क्या क्या हैक हुआ है, ठीक है। उस दिन पता चला था कि दो वॉलेट हैक हुआ है, ठीक है। उसके दूसरे दिन पता चला कि और एक वॉलेट हैक हुआ है, ठीक है। तो कल जैसे पता चला कि ट्विटर हैक हुआ है। तो कैसे हैक हुआ है, क्या किया था हमने किया था, ये साइटअप देख रहे हो, हाउ टू रिकवर लॉस्ट फाइल फ्रॉम SD कार्ड। तो हमारा जो सीक्रेट फेस था और प्राइवेट की था वो हमने SD कार्ड पे रखा था और SD कार्ड ऑफलाइन पे था। दो साइट है यहाँ पे देखते हो, फिलिमोरा का है रिकवर इट और दूसरा है आप यहाँ पे देख सकते हो ये आई बॉय सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला, वीडियो यहाँ पे आ गया था हमारे मोबाइल पे, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे SD कार्ड से डिलीट वीडियो वापस कैसे लाए, ठीक है। इस वीडियो को हमने देखा था, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है, तो इस वीडियो को देखकर ही हमने यहाँ पे जो साइट है ये दो साइट में हमने हमारा जो SD कार्ड है उसको यहाँ से रिकवरी करना चाह, ठीक है। जब हमने इसको रिकवरी करना चाह तो हमारा तो रिकवरी हुआ नहीं, ठीक है। जो हमारे SD कार्ड पे प्राइवेट की और सीट फेस था सभी उसने निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों में से एक ने ही निकाल लिया है या फिर दोनों ने ही निकाल लिया है, ठीक है। हमारे दोनों ने ही यहाँ से हमारा जो की है वो लेके वो यूज कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में से दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो कहा था मिला, यूट्यूब पे मिला हमें, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख सकते हो यहाँ पे SD कार्ड से कैसे निकाल सकते, रिमूव हुआ 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। ये देख कर ही हमारा सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमारा हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क जो खराब हो गया था उसमें था हमारा वॉलेट, ठीक है। तो हार्ड डिस्क तो ठीक हो नहीं पाया डेस्कटॉप का, ठीक है, ठीक हो नहीं पाया। तो उस जो SD कार्ड है उस पे हमने इसका जो वॉलेट का प्राइवेट का हमने रखा था, रखने के बाद क्या हुआ था उसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद हमने जब इस ये जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को ये सब वीडियो को देखा, देखने के बाद ये सब यहाँ से हमने कोशिश किया कि रिकवरी करके फिर से हमने वॉलेट को इसको मेटामास्क में इंपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे वॉलेट था जहाँ पे हमने एयरड्रॉप मिला था, तो बहुत सारे की था की को हमने क्या सोचा कि इसके द्वारा हम इसको की को रिकवरी करके फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हमारे मेटामास्क में, ठीक है। लेकिन क्या क्या जब हमने इसे रिकवरी करना चाहा तो हमें तो रिकवरी नहीं मिला, ठीक है। जो हमने डिलीट कर दिया वो तो नहीं मिला हमें, लेकिन इन लोगों ने हमारा वॉलेट प्राइवेट की को इन लोगों ने ले लिया है। तो आप ऐसा गलती मत करना, आपका जो फाइल जो लॉस हो गया है उसको आप भूल जाओ, किसी को बोलना ही नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, किसी के साथ शेयर करना नहीं है। जो आपका अगर हार्ड डिस्क खराब होता है उसको किसी को ठीक करने की देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर खराब हो गया है तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि दूसरों को दोगे वो खुद निकाल के ले लेगा। किसी को ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है, क्रिप्टो में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, किसी को पता नहीं चलता है कि किसका वॉलेट है। इसके वजह से ही लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसे पता चल जाता तो हम इसको जाके नहीं पकड़ते क्या। आप यहाँ पे देख रहे बॉय सॉफ्ट और ये वांडेशन फिल्मोरा, इसी वांडेशन फिल्मोरा का हम वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सब प्रीमियम है, प्रीमियम लोग ऐसा करते हैं, हमें ऐसा पता नहीं था, हम इनके ऊपर हमने विश्वास किया है और इन लोगों ने हमें लूट लिया है, ठीक है। तो क्या सुबह तो आप लोगों ने देखा था टोकन क्लेम करने के टाइम पे इसका वॉलेट जैसे हमारा बैलेंस यहाँ पे निकल दूसरे वॉलेट पे सेंड हो जा रहा था, तो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो थोड़े टाइम पहले हमने जैसे यहाँ पे निकाला है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमने तो इतना एपेक्स डाला था, ठीक है, इस वॉलेट से। अब यहाँ पे देख रहे हो इस वॉलेट से हमने इस वॉलेट पे 51 मिनट पहले हमने इस यहाँ पे 0.0026 एपेक्स डाला था, ठीक है। डालने के बाद तुरंत ही हमने यहाँ से निकाल लिया है, उसके 11 मिनट बाद देखो यहाँ पे वो हैकर ने फिर से यहाँ से निकाल लिया है, शायद इन्हें बॉट्स लगा के रखा है, ठीक है। अब अगर आप इथेरियम डालोगे इथेरियम निकाल के लेके जाएगा, इथेरियम वॉलेट पे दूसरा टोकन है कोई भी कॉइन अगर रहेगा तो वो नहीं निकालेगा, ठीक है। आप अगर इथेरियम डालोगे तो ही इथेरियम निकालेगा, वो बॉट लगा के रखता है, ठीक है। आपका जो आप गैस फी पे करोगे तो आपको पता चल गया है कि ये हैक हो गया है, हम इसको इथेरियम डाल के निकाल लेते, ऐसा नहीं होगा। अब इथेरियम डालोगे तो वो अपने एड्रेस पे लेके जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने इससे पहले जब
सुबह हमने इसको ट्राई किया था, तभी उसने फर्स्ट टाइम उसने 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम ले लिया था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो एड्रेस है, जो ये एड्रेस है ठीक, इस वॉलेट पे दूसरे वॉलेट से इस वॉलेट एड्रेस पे हमने एबेक्स सेंड किया, दूसरे वॉलेट से इस वॉलेट में एबेक्स को ट्रांजेक्शन होने में टोटल 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। हमने क्या किया है, तो इस एक वॉलेट से यहाँ पे भेजा है, भेजने के बाद हमने तो मेटामास्क से हमने यहाँ पे भेजा था, भेज के क्या किया, मोबाइल से हमने जिस वॉलेट पे हमने देख तो जिस वॉलेट पे हमने हमें भेजना है उस वॉलेट का एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे मैच करके रख दिया, ठीक है। तो हमने उसको भेजा, भेज के जब 3 मिनट हो गया, ठीक है, 3 मिनट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, क्योंकि 2 मिनट का टाइम यहाँ पे लग जाएगा इसको यहाँ पे इस वॉलेट पे आने में, और इसका जो टाइम लगेगा और इसके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके इस जगह पे आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पर 3 से 4 सेकंड लगता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे मेटामास्क से इस वॉलेट पे भेजा टोकन, तो तभी 3 मिनट जब हुआ तभी हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया, तभी इस पेज पे आने में यहाँ पे 3 सेकंड, तो यहाँ पे 6 से 7 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पहुंच गया, पहुंचने के बाद कंफर्म कर दिया, तुरंत ही हमारा जो ये जो वॉलेट है इस एड्रेस पे हमने इसका जो टोकन है अलॉट टोकन उसको हमने ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हो, उसके 11 मिनट बाद ही इन भाई साहब ने यहाँ से जो एबेक्स था वो निकाल लिया, ठीक है। किसी भी साइट, ऐसे जो साइट है, इन साइट के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना है, ठीक है। हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, हमें पता नहीं था कि हमारे साथ भी कभी ऐसा धोखा होगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, तो ये एक हमारा सबक था, हम भूल गया था कि इसको ऑनलाइन नहीं लाना है, हमने ऑनलाइन लाया था तो जिसके वजह से हमारा वॉलेट हैक हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों क्रिप्टो बिगेस्ट को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहा, जल्दी हम किसी दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।